वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेकेंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। कौन सा है? वो है हमारा मी एंड द इकोलॉजी बिट। मी एंड द इकोलॉजी बिट। अब देखिए, ये जो मी एंड द इकोलॉजी बिट है, इनके लेखक हैं जॉन लेग्जू। इनके लेखक कौन है? जॉन लेग्जू। ओके, अब देखिए कि ये पॉइंट है जो कि मान चलिए हमारा इस हिसाब से जो हम ये पॉइंट दिए हैं, हो सकता है कि मे बी आपके एग्जाम में ये आ जाए। ओके, तो इसलिए ये पॉइंट हम यहाँ पे लिखे हैं ताकि इसको क्या कीजिएगा आप दिमाग में, बस सिर्फ इसको याद नहीं करना, बस हम अभी जैसे ये इसका पूरा हम स्टोरी जो बताएंगे, ये ऐसे के बारे में यहाँ पे जो पूरी तरह से हम चर्चा करेंगे, उसके बाद इसको आप देखिएगा, ये सारा चीज आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ओके, तो पहले हम लोग जान लेते हैं मी एंड द इकोलॉजी बिट के लेखक हम बता ही दिए कौन है, जॉन लेग्जू है, और इस पे हम आएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, मी एंड द इकोलॉजी बिट को अच्छी तरह से जान लेते हैं और उसके बाद इस पे आएंगे। ओके, और ये वीडियो कैसा लगा नीचे लास्ट में जरूर कॉमेंट कीजिएगा। ओके, मुझे आपके कॉमेंट का क्या रहता है, इंतजार रहता है। चलिए ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए अब देखिए कि हम यहाँ पे जॉन लेग्जू के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे चैप्टर का नाम हमारा मी एंड द इकोलॉजी बिट। देखिए, इकोलॉजी का मतलब सब कोई जान रहेगा अच्छी तरह से कि हाँ सर ये पर्यावरण से रिलेटेड है। कहने का मतलब इकोलॉजी जो है आप बचपन से सुनते आए होंगे कि हम सभी ये चीज़ जानते हैं कि पर्यावरण का क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए, उनका बचाव करना चाहिए। लेकिन बात तो सब कोई करते हैं, लेकिन यदि बात जब आ जाए इस पे काम करने का तो हर एक कोई क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। जो ज़्यादा नसीहत देंगे कि पर्यावरण को बचाना चाहिए, इकोलॉजी को बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए, तो लेकिन वो करने के जब बात आ जाता है तो वो क्या हट जाएगा, पीछा हट जाएगा। और अक्सर देखा गया है कि जो ज़्यादातर गाँव में है, जो कम पढ़े लिखे हैं, वही इकोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, चाहे वो जाने अनजाने में, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि यदि हम पेड़ पौधे को काटेंगे तो हमें पाप लगेगी, तो उस हिसाब से भी वो क्या करते हैं, इकोलॉजी को बचाते हैं। लेकिन यदि हम बात करें, थोड़ा बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि जब आप 12 में जाइएगा तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी के द्वारा जानिएगा, वहाँ पर भी महात्मा गांधी कहे हैं कि सच्चा जो मतलब आत्मा जो बसते हैं, भगवान का जो मतलब बास होता है, वो कहाँ होता है, गांव में होता है। और गांव के व्यक्ति जो है पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ करते हैं, और शहर में बोलते तो सब हैं लेकिन करना कोई चाहते नहीं, बहुत ही कम होते हैं शहर के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कर भी दे, और ज़्यादा कर भी देंगे तो वो थोड़ा सा छत पे छोटा वाला मतलब पौधा लगा देंगे, हो गया। और सबसे ज़्यादा यदि उसका मान के चलिए कि उसको हानि पहुंचा रहा है, तो शहर वाले ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को हानि पहुँचा रहे हैं। तो अब थोड़ा बुरा नहीं मानिएगा यदि आप लोग शहर में रह रहे हैं, आप लोग हैं शहर में, लेकिन हम ये चीज़ जानते हैं कि सबका कहीं ना कहीं एक गाँव होगा, और वो गाँव जो है जहाँ भगवान का क्या होते हैं, बास होते हैं। और आगे आप लोग एक पोयम भी पढ़िएगा, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। हम बहुत ही जल्दी इस चीज को क्या कर देंगे, यहाँ पे खत्म कर देंगे, 2 से 3 दिन में सारा प्रोज आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मी एंड द इकोलॉजी बिट। तो जॉन लेग्जू जो है मी एंड द इकोलॉजी बिट में एक लड़का को चुना है, उस लड़का के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि किस तरह से पर्यावरण का क्या करना चाहिए, संरक्षण करनी चाहिए, किस तरह से इकोलॉजी को क्या करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए, उसके बारे में वो बताते हैं। तो जिम नाम का जो लड़का है वो पेपर बेचने का काम करता है। क्यों काम करता है पेपर बेचने का, क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो भी क्या बेचा करते थे, पेपर बेचा करते थे। जब उसका देहांत हो गया तो बेचारा को क्या बेचना स्टार्ट करना पड़ गया, पेपर, क्योंकि घर चलाने के लिए तो कुछ तो पैसा चाहिए, तो इसलिए वो क्या स्टार्ट कर दिए, पेपर बेचना स्टार्ट कर दिए। तो पेपर बेचते बेचते वो दो काम करते थे, पेपर भी बेच लेते थे और साथ ही साथ क्या करते थे, इकोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन भी दूसरे को दे देते थे, ये दोनों काम उनका चलता था। और ज़्यादातर वो सैटरडे संडे को क्या करते थे, मनी कलेक्ट करने का कोशिश करते थे, और पूरा मतलब वीक में जो है प्रत्येक डे वो क्या करते थे, जाके पेपर देते थे। तो सारा चीज़ ठीक ठाक चल रहा था। तो जब सैटरडे संडे आया तो जिम जो है वो निकला क्या चीज़, मनी कलेक्ट करने के लिए निकला, और सोचा कि पैसा भी ले लेंगे और
इकोलॉजी के बारे में बता भी देंगे। लेकिन आप जानवे करते हैं कि हर एक कोई मतलब इकोलॉजी के फेवर में था और अभी भी है और हमेशा रहेगा, लेकिन जब करने की बात आएगी तो वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, पीछे हटने लगते हैं। अब जैसे अभी आप ही को बोलेंगे कि पानी का बचत करना चाहिए या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप कहिएगा यस सर करना चाहिए, लेकिन जब नहाने का बात आएगा तो 10 बाल्टीन से खुद नहाइएगा कि चलो नहा लेते हैं, क्योंकि हम तो फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं, जाने जाने उसको होगा जो दिक्कत, हमको उससे क्या मतलब है। आपको पता नहीं होगा ढेर सारा ऐसा जगह है जहाँ पानी का बहुत ही ज़्यादा क्या अभाव है, आपके पास ना बहुत पानी है लेकिन बहुत सारा जगह क्या है पानी का कमी है। वैसे तो हमारे बगल में भी ढेर सारा पानी है क्योंकि हम तो गंगा के बगल में बसे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, तो जिम जो है वो निकलता है पैसा मांगने के लिए, मतलब जैसे पेपर जिसको देते हैं उसके यहाँ, है ना। तो जब वो निकलते हैं तो सबसे पहले वो जाते हैं मिस्टर विलियम के घर। किसके घर? इस चीज को दिमाग में रखिएगा, हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं। ओके, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग समझ ही रहे होंगे। ओके, अब देखिएगा, समझिएगा। तो वो जाते हैं, सबसे पहले जाते हैं विलियम के घर। विलियम के जब घर वो जाते हैं, मिस्टर विलियम के घर जाते हैं पैसा मांगने के लिए, तो एगो दुगो नहीं जानते हैं कि गांव में क्या होता है कि घर में रहेगा तैयो कहेगा कि हम घर पे है वे नहीं, कि जा बोल दो कि हम घर पे नहीं हैं। तो वही काम वो बोला विलियम कि जा बोलो कि हम घर पे नहीं हैं। लेकिन जिम कोई बात सुनने के बाद जिम जाने लगा, जाते जाते तुरंत देखा कि उधर मतलब कि पूरा मतलब धुआं हो रहा था, पूरा तरह से एकदम पूरा धुआं हो रहा था। तो धुआं होने के बाद सोचा कि क्या बात है जो उधर धुआं हो रहा है, क्योंकि ये जिम तो ठहरे क्या इकोलॉजी बॉय, वो देखने के लिए गया। देखने के लिए गया तो देखा मिस्टर विलियम जो है वो क्या जला रहे थे, पत्तियों को जला रहे थे। लिप्स मीन्स क्या होते हैं, पत्तियां। वो पत्तियों को जला रहे थे, इकट्ठा करके पत्तियों को जला रहे थे। अब जिम बबुआ जो है उसको रहा नहीं गया, जिम जो है मतलब आना देखा था और उसे तुरंत क्या देने लगा, उपदेश देने लगा, है ना। उसको कहने लगा विलियम को कि आपको जो है पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि पत्तियों को इकट्ठा करके उसका क्या बनाना चाहिए, कंपोस्ट बनाना चाहिए। पत्तियों को इकट्ठा करके उसका क्या बनाना चाहिए, कंपोस्ट बनाना चाहिए, ताकि खेती में वो क्या आ सके, काम आ सके। हाँ, ये बात जैसे ही बोलता है विलियम को तो विलियम को आ जाता है गुस्सा, कहता है कि वही तुम कहना चाहते हो कि मतलब कंपोस्ट बना देंगे और कंपोस्ट बनाने के बाद जब वो सर गल जाएगा तो उसमें से जो स्मेल निकलेगा, तो उससे जो स्मेल निकलेगा उससे नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा। एक समझ लीजिए, यहाँ पे नोज होता है और एक क्या होता है नॉइज। यहाँ पे ये बात करते हैं किसका, नॉइज पोल्यूशन का, नॉइज पोल्यूशन का ये क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक। तो नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा, विलियम कहा क्या नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा। ये बात बोल के उसे चार को बात और धरा देते हैं जिम को, और पैसा भी नहीं देते और बोलते हैं कि ऐसा काम जो है तुम ही जाकर अपने घर पे करो, हमको नहीं करना, निकलो यहां से। उसे पैसा भी नहीं मिलता और डांट फटकार भी मिल जाता। अब तब पर भी वहां पे भी जिम नहीं रुका, वहां से जिम आगे निकलते हैं। नेक्स्ट वो नेक्स्ट चल देते हैं किसके घर, मिस ग्रीनी के घर। अब देखिए मिस ग्रीनी का क्या प्रॉब्लम है, मिस ग्रीनी का ही नहीं, अब थोड़ा सा बुरा नहीं मानना, ओके, क्योंकि बहुत सारी चाहे वो लड़कियां हों या बहुत सारे लड़के हों, सपोज मान चलिए कि हमरे ही बारे में, चाहे आप अपने ही बारे में लीजिए, ठीक। तो क्या है कि यदि आपसे आपका कोई एज पूछ देगा, यदि आपको पता नहीं है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक साल थोड़ा कम ही करके बोल दे तो बड़ा अच्छा। तो जिम जिम जो है मिस ग्रीनी के यहाँ जो जाते हैं, तो जिम को पहले से पता है कि यदि हम मिस ग्रीनी को मिसेज कह देखें, गौर से समझिएगा, मिस मतलब क्या, मिस ग्रीनी मतलब कौन सी हो गया, देखिए कुमारी और शादीशुदा दोनों में अंतर होता है ना, मिस और मिसेज, तो मिसेज का मतलब क्या हो गया शादीशुदा। तो वो कहते हैं कि जिम यदि मैं भूल से भी मिस ग्रीनी को यदि मिसेज ग्रीनी कह दूं तो वो कहेगी आई हैव नो पे फॉर मनी, मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। अब देखिए यहाँ पे वो बोलेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, दैट मीन्स छुट्टे पैसे नहीं है। उसमें जब लाइन बाय लाइन आपको हम पढ़ाते तो सारा चीज़ क्लियर होता है, लेकिन क्या कीजिएगा समय कम है और हम लोग को जल्द से जल्द कोर्स को भी कंप्लीट करना है, और हम आपको ये भी बोल देते हैं कि कुछ भी छूटने वाला नहीं है। ओके, चलिए इसी के साथ थोड़ा सा सॉन्ग सुना देते हैं ताकि और भी ज़्यादा आप खुश हो जाइएगा, थोड़ा सा बीच में सुना देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं, क्योंकि थोड़ा बोर हो रहे होंगे आप लोग। चलिए, सुनो ना संग मरमर की ये मिला रे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल ये मेरा। चलिए बहुत सुना दिए, आगे ठीक।
तो ये सारा चीज़ था किनका, जिम का जो था वो मतलब कहाँ चल देते हैं, मिस ग्रीनी के पास चल देते हैं। और मिसेज ग्रीनी जो है वो कहती है, जब उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि मिस ग्रीनी जो है मतलब वो एल्युमिनियम कैंस को और वो जो पेपर था उनको इकट्ठा करके उसको मतलब फेंक रहे थे। तो अब ये जिम ठहरे बबुआ को क्या लग गया, थोड़ा दिक्कत, क्योंकि ये तो थे क्या इको फ्रेंडली बॉय थे, इसको तो मतलब जैसे ही कोई चीज़ देख लेता था तुरंत वो क्या हो जाते थे, मतलब पूरा एकदम इरिटेट हो जाते थे और तुरंत उपदेश देने लगते थे। उनको बोलने लगा आप ये क्या कर रहे हैं, एल्युमिनियम को पेपर को क्या कर रहे हैं, फेंक क्यों रहे हैं, आपको पता नहीं है कि एल्युमिनियम पेपर को फिर से बनाया जा सकता है, आप इसे रखिए अच्छे ढंग से, ये काम आएगा। अब मिस ग्रीनी को जो है बड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि अगले मंडे भी वो बोले थे जिम कि आप जो इसको इकट्ठा करके रखिएगा, वीकली पिकअप जो आएंगे मंडे को वो आप उसको क्या कीजिएगा, दे दीजिएगा। वीकली पिकअप कब आएंगे, मंडे को। तो ये भी एक क्वेश्चन बनेगा डेक। तो उनको वो बोलते हैं कि वीकली पिकअप कब आते हैं, तो वीकली पिकअप मंडे को आते हैं, लेकिन वो आए नहीं। वो बोलते हैं कि तुम पिछले बार भी बोला था कि मंडे को आएंगे लेने के लिए, लेकिन कोई लेने के लिए आए नहीं, गार्बेज, गार्बेज मतलब कूड़े कचरे जो है वो, ठीक। तो और उसके बाद बोलते हैं कि तुम हमको बहुत ज़्यादा नसीहत देते हो, तो तुम ये एक बात बताओ कि टाउन में एक लॉ बना हुआ है, टाउन में एक शहर में एक लॉ, एक कानून बना हुआ है कि अपने कुत्ते को जो है पट्टे से क्या करके, ऐसे पट्टे, कुत्ता का नहीं देखा ऐसे वाला, पट्टे से बांध के रखना चाहिए, लेकिन तुम जो है अपने कुत्ते को पूरा शहर में छोड़ देते हो बिना पट्टे लगाए, और तुम्हारा कुत्ता जो है इधर उधर घूम घूम के हमारे आंगन में आके टॉयलेट कर देता, यानी मिसेस अप कर देता, मतलब गंदा कर देता, मिसेस अप मतलब क्या, गंदा कर देता है, टॉयलेट आके करता है, बताओ क्या उससे पर्यावरण को हानि नहीं है, और तुम हमको बहुत ज़्यादा नसीहत देने वाले हो, चलो निकलो यहाँ से, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, मेरा मूड तुम खराब कर दिया, चलो निकलो यहाँ से। बेचारा को वहाँ भी कुछ नहीं मिलता है और मुँह डेंगाए वहाँ से वो फिर चल देता है, वो फिर अब चलता है किसके घर, मिस्टर जॉनसन के घर चल देते हैं। अब देखिए तीसरा व्यक्ति किसके पास गया, मिस्टर जॉनसन। अब मिस्टर जॉनसन के घर पे जैसे गया तो मिस्टर जॉनसन का एक कार खड़ा था उसके घर से थोड़ा हट के, तो वो मिस्टर जॉनसन को भी देख लिया, और ये तो सोचा क्या जिम की जितना देर में मिस्टर जॉनसन कार के पास पहुँचे गया हम उससे पहले कार के पास पहुँच जाएंगे, और वो वही किया, जितना देर में मिस्टर जॉनसन आते उससे पहले जिम पहुँच गया उनके कार के पास। और जैसे उनके पास पहुंचा तो बोला कि कहाँ जाते हैं आप, तो बोला कि हम जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस, तो बोला कि कार से जाने की क्या ज़रूरत है आपको पोस्ट ऑफिस, आपका तो पोस्ट ऑफिस बगल में ही है, और वो भी आपके पोस्ट ऑफिस की दूरी जो है मात्र 2 ब्लॉक्स है। ये क्वेश्चन बनेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई, इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि जॉनसन हाउ मतलब मिस्टर जॉनसन के घर से पोस्ट ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो कितने ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक्स, कितने ब्लॉक्स एक बार बोलिए, 2 ब्लॉक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, ये वीवीआई होगा। तो वहाँ से कितने दूरी थी, 2 ब्लॉक्स, तो आपको कार से जाने की क्या ज़रूरत, आपको पता नहीं है कि कार से कितना वातावरण को हानि पहुँचता है। अब जॉनसन को और गुस्सा आ गया, कहता अच्छा सुनो इधर आओ, तुम बुला लिया, बोला कि अरे देखो वहाँ पे जो वो दिख रहा है पौधा तुमको, तो वहाँ पे दिख रहा पौधा, वो छोटा छोटा पौधा, तो जिम कहता है कि मजाक कर रहे हैं हमसे, कहाँ है पौधा, तो कहते हैं जॉनसन कहाँ से रहेगा पौधा, तुम तो सारा पौधा को कुचल के मार दिया, तुम जो डेली जो साइकिल से आते हो जाते हो उससे तो तुम रास्ता बना दिया, एक पेड़िया रास्ता ना होता है उस टाइप का, होता है कि नहीं, तो उसमें तुम क्या कर दिए, तो रास्ता बना दिए हो, अब उसमें कहाँ वो दिखेगा पौधा, तुम तो उसे मार दिए हो, और तुम हमको कहते हो कि पर्यावरण का रक्षा करना चाहिए, और तुम जो है विंटर में स्नो मोबाइल और समर में मोटर बाइक को एकदम पूरी तरह से घुमाते रहते हो, उससे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचता है, और तुम बड़का आया हमको मतलब नसीहत देने वाला। वहाँ भी बेचारा को कुछ नहीं मिलता है, वहाँ भी उसका मन ठंडा जाता है, आराम से वहाँ से वो निकल देते हैं, कहाँ घर चल देते हैं। अब घर जैसे जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि उसकी माँ जो है वो इलेक्ट्रिक मिक्सर का क्या कर रही थी, यूज कर रही थी। अब इलेक्ट्रिक मिक्सर का जो यूज कर रही थी उसकी माँ, तो अब वहाँ भी इसको नहीं रहा गया, वो कहती है माँ क्या जरूरी है इलेक्ट्रिक मिक्सर का यूज करने के लिए, वो जो घर में आप लोग देखे होंगे सिल्ला लोढ़ी, देखे सिल्ला जाता मतलब ना होता है पीसने वाला, ऐसे ऐसे करके पुराने जमाने में पीसते थे, है ना, वो मतलब क्या कहते उसको पता नहीं, आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा उसको क्या कहते, ओके। तो वो क्या है कि मतलब वो उस पर आप नहीं पीस सकते हैं जो आप इलेक्ट्रिक मिक्सर का यूज करते हैं, क्योंकि इससे बिजली खपत होगी, और बिजली खपत होने से जो है आप जानते हैं कि बिजली बनाने के लिए कोयले का यूज किया जाता है और भी ढेर सारा चीज़ का यूज किया जाता है, उससे प्रदूषण होता है। उसकी माँ को और गुस्सा आ गया, उसकी माँ बोलती है सुनो सुनो इधर ऐसा लपड़ मारेंगे, तुम जो हमको बोलते हो कि मतलब इससे हानि पहुंचेगा, कौन 27 घंटा, आप देखिए दिमाग में याद रखिएगा कितने घंटे, 27 घंटे तक कौन टीवी को देखते हैं, कौन देखते हैं टीवी को, तुम ही ना देखता। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर
आप बोल रहे हैं 27 घंटा, टोटल तो होता है 24 घंटा, ये कौन सी बड़ी बात। एकदम यदि ऑप्शन में आएगा तो आप 27 घंटा ही मारिएगा, 24 घंटा नहीं मारिएगा, बिकॉज उसकी माँ गुस्से में आके बोलती है कि कौन 27 घंटा तक टीवी देखता है, हम देखते हैं, उससे नहीं होता है बिजली की खपत, और तुम जो हमको नसीहत दे रहे हो तो 24 इसलिए नहीं देना क्योंकि वो जिक्र क्या किए हैं 27 घंटा, तो इसलिए क्या मारना है 27 घंटा की मारना है। ठीक, उसके बाद जो है जिम जो है कहने लगता है कि वुमेन जो है यूजेज टू, मतलब यहाँ पे हम एक पॉइंट भी लिखा है, वुमेन यूजेज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग, मतलब महिलाएं जो है वो सबसे ज्यादा क्या यूज करती है, इलेक्ट्रिक मिक्सर का। आप बुरा नहीं मानिएगा महिलाएं, मतलब आप लोग हो सकते हैं कि कुछ लड़कियां भी इसमें देख रही होगी, कहने का मतलब वो आपको हर्ट करने वाली बात नहीं है, वो उसमें बताए हैं कि महिलाएं जो है इलेक्ट्रिक चीज की ज्यादा क्या करती है, यूज करती है। ये सारा चीज होने के बाद फिर जो है वहीं पे खत्म हो जाते हैं, मतलब ऐसे जो है मतलब खत्म हो जाते हैं कहानी को उस माध्यम से वो बनाए हैं, और लास्ट में वो बोलते हैं कि कोई जो है मेरे अलावा नहीं सोचता है कि पर्यावरण को हम पहुंचाए, मतलब छत, मतलब सेविंग करें उसको क्षति ना पहुंचाए। इसके हिसाब से ये क्या हो गया, खत्म हो गया। नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा। अब हम लोग चलते हैं क्या पॉइंट पे। चलने से पहले थोड़ा सा हम लोग और कुछ सॉन्ग सुनिएगा, क्या मन कर रहा है। चलिए ठीक है, मन कर रहा है तो सुना देंगे। ठीक, चलिए पहले हम लोग देख लेते किसको, पॉइंट को। ठीक, चलिए ठीक, यहाँ पे देखिए हमारा पहला पॉइंट है, There are three slogans। इस चैप्टर में कितने स्लोगन्स दिए गए हैं, स्लोगन्स का यदि हम बात करें तो स्लोगन्स का मतलब होते हैं नारे। ओके, नारे आप लोग देखे होंगे कि जैसे कोई नेता होता है तो वो कैसे करके उसमें कुछ से कुछ लिख के नहीं चलते, तो उसे कितने स्लोगन दिए गए थे, 3 स्लोगन दिए गए थे। और कौन कौन स्लोगन दिए गए थे देखिए, पहला दिया था सेव अर्थ, क्या कहता है सेव अर्थ, अब सेव खाने वाला नहीं चीज, ठीक सेव अर्थ। ठीक, अगला दिया था सेव वाटर, और तीसरा दिया था सेव अर्थ और सेव वाटर, और तीसरा जो दिया था वो दिया था सेव ट्री, क्या दिया था सेव ट्री दिया था। ठीक, तो ये 3 स्लोगन दिए गए थे किसमें, उस चैप्टर में। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट कहता है जिम इज एन इकोलॉजी बॉय, पूछ सकता है कि जिम क्या थे, तो जिम एक क्या थे, इकोलॉजी बॉय थे। ओके, उसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है जिम यूज्ड पेपर रूट, जिम कौन से चीज को रूट, कौन से रूट को अपनाए थे, तो जिम जो है पेपर बेचने का रूट अपनाए थे, किसके लिए, इकोलॉजी के लिए भी और अपने लिए भी। अब कहते हैं मिस्टर विलियम वॉज बर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड, मिस्टर विलियम जो है अपने बारी में पिछवा, पीछे ना होता है मतलब घर के पीछे जो होता है, ठीक, तो अपने बारी में मतलब बैकयार्ड में वो क्या जला रहे थे, पत्तियों को जला रहे थे, लीव्स को जला रहे थे। अगला दिन हम बात करें कि कंपोस्ट, ये बहुत ही बीबीआई बनेगा, कंपोस्ट मींस क्या होता है, मैन्योर। अब देखिए कंपोस्ट आप समझ रहे होंगे वही खाद उद का जो यूज करते हैं उसमें कंपोस्ट, आप लोग गाँव में नहीं देखे होंगे बहुत पहले, मतलब कि पूरा लगा लगा के उसमें यूज करते थे, ठीक, तो मैन्योर हो जाएगा। गार्बेज मींस क्या होता है, कूड़ा कचरा, इसका मतलब क्या होता है, फ्लित होता है। अगला जिम्स डॉग, किसका कुत्ता है ना, किसका जानवर, तो जिम्स डॉग मेसेसअप मींस क्या होता, गंदा कर देता था, किसके आंगन को, मिस ग्रीनीज यार्ड, मतलब मिस ग्रीनी के आंगन को। अगला है वुमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, महिलाएं जो है, लेडीज जो है, लड़कियां जो है, वो सबसे ज्यादा किसका यूज करती है, इलेक्ट्रिक चीज का। और जिम वॉचेज टीवी 27 आवर्स, जिम जो है कितनी ढेर, मतलब कि 27 घंटा तक क्या करते थे, टीवी देखा करते थे। आई होप कि ये वीडियो कैसा लगा, नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। जाते जाते एक चीज आपको सुनाते चलते हैं थोड़ा सा, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, पूरा गाना आप नीचे लिख दीजिएगा। ओके, जय हिंद जय भारत।